आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, अगर हम हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री पे नजर डालें तो ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट बहुत कम हैं जो बड़े होने के बाद टॉप मोस्ट हीरो या हीरोइन बन गए हों, और उनमें से एक थी बेबी नाज। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। 20 अगस्त 1944 में पैदा हुई थी बेबी नाज मुंबई में, एक बहुत गरीब परिवार में। उनका असली नाम था सलमा बेग और उनके वालिद का नाम था मिर्ज़ा दाऊद बेग। वो राइटर थे, बहुत सारी कहानियाँ लिख के रखी हुई थीं और इस उम्मीद में थे कि शायद कभी कोई भूला भटका प्रोड्यूसर आ जाए, मेरी एक आध कहानी ख़रीद ले तो हाथ में कुछ पैसे आ जाएं। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ, वो जिंदगी भर हैंड टू माउथ रहे। बेबी नाज की माँ बहुत सेल्फिश थी, बहुत ज्यादा खुदगर्ज थी। ना तो उनको अपने पति की परवाह थी और ना ही इकलौती बेटी की, और यही वजह थी कि उन्होंने बेबी नाज को स्कूल नहीं भेजा और बचपन में ही काम करवाने लगी फिल्मों में ताकि बेबी नाज कमाए और वो ऐश करें। मैं बेज़ुबान पंछी, मुझे छोड़ कर दुआ ले, छोटी सी जान मेरी, मुझे हमसे तू छुड़ा ले। फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया था बेबी नाज को मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर लेखराज भाकड़ी ने 1952 में, और उस फिल्म का नाम था रेशम। और रेशम में सुरैया के बचपन का रोल निभाया था बेबी नाज ने, और उसके बाद तो ये सिलसिला शुरू हो गया। रेशम के बाद बेबी नाज ने कई फिल्मों में काम किया और वो बहुत मशहूर हो गई बहैसियत चाइल्ड आर्टिस्ट। लेकिन असली शोहरत मिली उन्हें उस वक्त जब 1954 में राज कपूर की सुपरहिट फिल्म आई बूट पॉलिश। दिन आता है इसी तरह आते जाते ही ये सारा जीवन जाता है। बेबी नाज दिन रात काम करती थी और अपने माँ बाप के लिए कमाती थी, और उनके माँ बाप उनका ख्याल रखने की बजाय आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। नतीजा ये हुआ कि बेबी नाज सिर्फ 12 साल की थी तो उनके माँ बाप एक दूसरे से अलग हो गए, और 4 साल के बाद बेबी नाज की माँ ने दूसरी शादी कर ली और मजबूरन बेबी नाज को अपनी माँ के साथ रहना पड़ा। बेबी नाज में वो सारी खूबियाँ थीं जो एक टॉप मोस्ट हीरोइन में होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो टॉप मोस्ट हीरोइन नहीं बन पाई। वो बहुत नाखुश थी और कहती थी कि इसकी जिम्मेदार, इसकी वजह सिर्फ मेरी माँ है और उसकी लालच। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं हर तरह के रोल करूँ, चाहे अच्छे हों, बुरे हों, बड़े हों या छोटे हों, बस उनको कमा कमा के देती रहूं। नींद उड़ जाए तेरी, चैन से सोने वाले, ये दुआ मांगते हैं नैन ये रोने वाले। नींद उड़ जाए तेरी। 1963 में बेबी नाज ने शादी कर ली, लव मैरिज। उनके पति का नाम था सुबीराज, वो हीरो भी थे और राज कपूर के कजन भी, और दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया था। ये
सुविराज और बेबी नाज के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेबी नाज ने जब देखा कि फिल्मों में उनको अच्छे रोल नहीं मिल रहे तो उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और डबिंग शुरू कर दी, और कई फिल्मों में उन्होंने श्रीदेवी के लिए डबिंग की, यानी चेहरा श्रीदेवी का और आवाज़ बेबी नाज की। चोरी चुगलखोर, दो कौड़ी के फूल बेचने वाली हमारी शिकायत करती है। उस दौर में मैं और बेबी नाज दोनों बहुत मशहूर चाइल्ड आर्टिस्ट थे, बेबी तबस्सुम और बेबी नाज। उस वक्त हमारी जो दोस्ती हुई वो आखिरी दम तक, जब तक वो जिंदा रहीं, कायम रही। बेबी नाज अच्छी खासी थी और अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। एक दिन अचानक उनके पेट में दर्द उठा, शिद्दत का दर्द। सोनोग्राफी ली तो पता चला कि उनकी लिवर में कैंसर हो गया है। बहुत इलाज करवाया लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वो ये दुनिया छोड़ के चली गई सिर्फ 50 साल की उम्र में, 19 अक्टूबर 1995 में। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए सब्सक्राइब।